अभी दिल्ली के शैतान साहिल की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के चर्चे शांत नहीं हुए कि अब मध्य प्रदेश के सीहोर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। प्रदेश के सीहोर में एक करबला पुल के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह हमला इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने युवक पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, इतने वार किए कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। युवक की मौके पर ही मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनकी ने युवक पर वार किया तो शरीर के सात टुकड़े कर दिए। पास मौजूद लोग चिल्लाते रहे लेकिन आरोपी नहीं रुका। बताया यह भी जा रहा है कि सिराड़ी का ये रहने वाला आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो पिछले 5 दिनों से हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है और फिर वारदात को अंजाम दे गया। वैसे गर्मियों में आग लगने की घटना आए दिन सामने आती रहती है। कई बार गाड़ियों में भी आग लगने की घटना सामने आती है, लेकिन सोचिए लग्जरी गाड़ियों में शुमार, कार में आग लगे तो बात सोचने वाली होगी। ये तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां सुपर कॉरिडोर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरों में दिख रही कार ये कोई आम कंपनी की नहीं है, बल्कि ये BMW कंपनी की कार है। ये कार धू धू कर जल रही है। हालांकि आग लगते ही कार सवार भाग कर बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आशंका जताई जा रही है कि कार में आग AC में तकनीकी शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लगी। मुरैना में सात फेरे लेने से पहले एक दुल्हन शादी के मंडप से लापता हो गई। जब दूल्हे और उनके परिजनों को मामले की जानकारी दी गई तो उनके होश फाख्ता हो गए। इसके बाद सभी ने मिलकर दुल्हन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिर लड़के वालों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल राजस्थान के बाड़ी शहर निवासी एक परिवार अपनी लड़की की शादी कराने के लिए मुरैना आया था और वर पक्ष के लोग मुरैना के ही हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के द्वारा आनंदी वाटिका में खुशी खुशी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त आया, दोनों पक्षों के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। चर्चा तो ये भी है कि दहेज को लेकर कुछ दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उधर दुल्हन तैयार होने के लिए पार्लर गई हुई थी, लेकिन दुल्हन वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद दुल्हन पक्ष के लोग भी एक एक कर शादी समारोह से निकल गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगा दशहरे पर प्रदेश के कई शहरों में धूम है। कहीं गंगा दशहरा पर लोगों ने स्नान किया तो कहीं पेशवाई निकाली गई। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां नीलगंगा क्षेत्र के पंचदशनाम जूना अखाड़ा परिषद के द्वारा पेशवाई निकाली गई। पेशवाई निकाली से पहले ध्वज की पूजा की गई और फिर पेशवाई निकली। बग्गी पर महामंडलेश्वर के नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी सम्मिलित हुए और विभिन्न मार्गों से होते हुए नीलगंगा सरोवर पहुंची पेशवाई। इसके बाद माँ गंगा का पूजन कर नीलगंगा सरोवर में स्नान किया गया। वही रास्ते में नागा बाबाओं ने शस्त्र से प्रदर्शन भी दिखाए। तस्वीरें देखिए, कितनी सुंदर और मनोहर तस्वीरें हैं। पेशवाई की शुरुआत उज्जैन से हस्त पढ़ाव स्थल नीलगंगा से हुई है और इसमें बैंडबाजी के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। नीलगंगा सरोवर में गंगा पूजन पश्चात माँ नीलगंगा को 108 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। आतिशबाजी के साथ महाआरती का आयोजन भी हुआ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा द्वारा सिंहस्थ 2016 के बाद 2017 से नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा घाट पर गंगा दशहरा उत्सव प्रारंभ किया गया। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आए दिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर होता है कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए आतुर रहते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जबलपुर में स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर युवकों और कोच के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। वजह इतनी छोटी, क्या सोच नहाने को लेकर कौन मारपीट करता है। हालांकि विवाद बढ़ते देख पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले में पूछताछ की और जांच शुरू कर दी है। किसे पता था कि वैष्णो वाली माता का आशीर्वाद लेने जा रही यात्रा होगी।
वो सभी निकले थे माता के दर्शन के लिए, लेकिन हादसे ने कईयों को कईयों से दूर कर दिया। दरअसल जम्मू की कटरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर पुल से नीचे गिरे। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए। बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी। बस में 75 यात्री सवार थे और ये सभी बिहार के रहने वाले थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में परखट छोड़ गए कितना भयावह था। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना कूनो चीता प्रोजेक्ट चर्चा में पहले भी था, अब भी है। पहले चीते की आने की खबर चर्चा में रहती थी और अब चीतों की मौत की खबर चर्चाओं में है। पैसा बदल दिया गया। अब राजस्थान नहीं, गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते शिफ्ट किए जाने हैं। इसके लिए भोपाल में बैठकें हुई और बैठक में वन मंत्री पहुंचे। चीतों का पुनर्वास कराने का फैसला किया गया। चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ। केंद्रीय वन मंत्री पहुंचे। मंत्री ने नंबर अभ्यारण्य को तैयार एनटीसीए ने कहा कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए, क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त, आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं। ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यास पीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी, सुने होंगे उनके प्रवचन। हिंदू राष्ट्र की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी, लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चुगे में बाबा तो दूसरी ओर अपना खाता, उस पर इटलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की नशे के खिलाफ मुहिम का इंदौर में खासा असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इंदौर का 56 दुकान बाजार नशा करने वालों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला बाजार बन गया है। इसके लिए बाजार के गेट पर बकायदा कैमरे और गार्ड तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी नशा करके आने वाला व्यक्ति बाजार में प्रवेश ना कर सके। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय युवाओं को नशे से दूर रखने की मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम का असर शहर में दिखने लगा है। नशा मुक्ति अभियान की पहल करते हुए अपने स्वाद के लिए देश और दुनिया में मशहूर 56 दुकान बाजार ने पहल करते हुए नशा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए बाजार के दोनों प्रवेश द्वारों पर महिला और पुरुष गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। वो लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धू धू कर जलता ये ट्रक, उस पर ट्रक के उड़े ये परखच्चे। ये तस्वीरें मंडला की हैं, जहां 100 फीट नीचे खाई में एक ट्रक गिर गया। मंडला और जबलपुर मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया। हादसे के दौरान निवास में सकरी घाटी के चलते ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। काफी ऊपर से गिरने के कारण उसमें आग लग गई। ट्रक के चालक ने जलते ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। निवास से बरेला की ओर जाते समय सकरी घाटी के नजदीक ट्रक अनियंत्रित हो गया और 100 फीट नीचे खाई में गिरने से उसमें आग लग गई।
दुर्घटना के समय ट्रक में चालक वो ट्रक से कूदकर जान बचा। चूंकि घाटी क्षेत्र में किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता, यही कारण है कि दुर्घटना की जानकारी समय पर पुलिस को नहीं दी जा सकी। घाटी क्षेत्र से गुजरने वाले अन्य लोगों ने इस बात की सूचना को दी है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिमरा गांव सुविधाएं नहीं है, ग्रामीण बिजली पानी और सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक से गुहार लगा चुके हैं, थक हार कर ग्रामीण पीएचई विभाग और इलेक्ट्रिक प्रशासन के बड़े अधिकारियों से अपनी समस्याएं बताने लगे, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे महिलाओं ने इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात अक्सर देखा जाता है। जंगल से शहरी इलाकों में पहुंचकर मकानों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी हाथी ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही रामपुर के रानु क्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड कैसे उत्पात मचा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण पूरी कोशिश में जुटे हैं कि हाथियों को किसी भी तरह जंगल की ओर खदेड़ा जाए। वन विभाग को सूचना दे दी गई। वन विभाग लोगों को हाथियों के पास नहीं जाने की। जहां एक तरफ हाथियों ने उत्पात मचा रखा है तो दूसरी तरफ भालू की दहशत देखने को मिल रही है। वैसे तो सर्कस वाला भालू कई तरह के कब करके दिखाता के लिए लोग बड़े शौक से आते हैं, लेकिन ये जंगली भालुओं की दहशत इस कदर है कि लोग घरों में छिपे हुए हैं। एकता नगर में ऐसा ही इसे पर भालू खड़ा है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भालू कैसे घर के बाहर घूम रहा है। वो घर के अंदर आने के फिराक में है, होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सका। वहीं भालू की तस्वीरों को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। में हाथियों का उत्पात अक्सर देखा जाता है। कभी हाथी ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां धुसरिया बीट में हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अब चिंतित हैं। तो वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को पास नहीं जाने की अपील की है। तस्वीरों किस तरह पर फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। यहां हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंद दिया है। हाथियों की दहशत के कारण कई लोग घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए हैं। इधर ग्रामीण कतार हाथियों के कारण खतरे में जी रहे हैं, तो वहीं वन विभाग का लापरवाह रवैया भी सामने आया है। असम में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि आग की लपटें नजर आने लगी। आग कपड़े के गोदाम में लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग कितनी तेजी से फैल रही है। हालांकि आग लगने की सूचना कल विभाग को गई। मशक्कत के लेकिन काफी माल का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस आग लगने की वजह की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें उसी कांकेर की हैं जहां एक अफसर का मोबाइल ढूंढने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित जीवलामारी गांव है, जहां पहाड़ी में बसे इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। गर्मी के
हैं। प्रशासन ने कोई पहल नहीं की तो ग्रामीणों ने खुद से पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए हर घर से 11,000 रुपए जमा कर बोर कराया और बोर से पानी तो निकाला गया, लेकिन ये पानी ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए बिजली की जरूरत मानता है, जो कि यहाँ नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर और पंप नहीं लगा तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। मुख्यालय से जुड़ने ऐसे में बोरिंग की गाड़ी भी केशकाल से 50 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर यहाँ पहुँची। ग्रामीण पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे पानी भरने में घंटों का समय लगता है और ऐसे में ग्रामीणों को झिरिया का पानी पीना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से सड़क और पानी की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक न सड़क मिली न ही पानी। जहाँ मोबाइल दिया गया हो किल्लत। घर के कोने में फुफकारता हुआ नाग, जब परिजनों की नजर पड़ी तो उनके पांव ठिठक गए, सभी घर के कोने में दुबक गए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां घर में उस वक्त जब परिजनों ने नाग इसकी सूचना स्नेक कैचर टीम को दी गई। काफी देर तक लोग सहमे रहे। जब रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद नाग का रेस्क्यू हो पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नाग घर के अंदर मिला हो, पहले भी कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में लोग सावधान रहने की भगवान राम की नगरी सज रही है, अयोध्या की भव्यता लौट रही है, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं राम नगरी में परवान चढ़ रही हैं। धार्मिकता के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अयोध्या विश्व रही है। और यहां आने वाले पर्यटकों को योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। जी हां, अयोध्या आने वाले पर्यटक अब पावर पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन करेंगे। अयोध्या के नेशनल हाईवे के किनारे बालूघाट पर पावर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बालूघाट और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में एडवेंचर क्लब की स्थापना की गई है। उसी के तहत पवन सुत नाम की कंपनी ने पावर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। पर्यटक तमन्ना ने कहा कि उन्हें पैराग्लाइडिंग कर बहुत ही अच्छा लगा। राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जो घूमने के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ कई राजा महाराजाओं का राज रहा है, जिनके भव्य महल और राजसी किले आज भी मौजूद हैं, जो अपनी स्थापत्य कला और खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टोंक की सुनहरी कोठी भी राजस्थान के सुंदर हवेलियों में से एक है। ये टोंक सवाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने कराया था। सुनहरी कोठी महल के नाम से अधिक लोकप्रिय है और इसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हवेली की भीतरी दीवारों पर सोने के रंग से पुताई की गई है, साथ ही कांच और रत्नों की सजावट भी है। इस कोठी की स्थापत्य कला मुगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। वैसे तो प्रदेश सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है, लेकिन ये कोठी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रही है। लेकिन अब आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने इसके सुनहरे दिन लौटाने का वादा किया है। टोंक आए धर्मेंद्र राठौर ने सुनहरी कोठी का दौरा किया और भरोसा दिया कि इसका कायाकल्प किया जाएगा। लोगों को बुक पढ़ने का शौक होता है, लेकिन कई बार बुक के दाम इतने हाई होते हैं कि उसे लेना बजट के बाहर हो जाता है या फिर कोई अच्छा वातावरण बुक पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता। लेकिन इन दोनों समस्याओं का समाधान लेकर आया है झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड में स्थित बुक जोन, जहां पर हर वर्ग के लोगों के लिए करीब 50,000 से ज्यादा बुक के कलेक्शन उपलब्ध है। कई किताबों का दाम 20,000 रुपए तक का भी है। जो लोग इन्हें खरीदने में अक्षम है वो यहाँ निःशुल्क पढ़ सकते हैं।
बशर्ते किताब सही कंडीशन में लौटाना होता है। यहाँ बुक खरीदने के साथ साथ आप यहाँ की मिनी लाइब्रेरी में 4-5 घंटे आराम से किताब पढ़ सकते हैं। 60 साल की पुष्पा इस बुक जोन के संचालक हैं। पुष्पा के मुताबिक युवाओं को बुक के प्रति और जागरूक कर पाए इसको लेकर उन्होंने स्थापना की, ताकि लोग बुक लेकर सिर्फ निहारे नहीं बल्कि बैठ के कुछ देर इसे पढ़ें और समझें। यहाँ बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन है।